एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस भी अब जल्द ही प्रत्याशियों की सूची का ऐलान करेगी। जहां राजधानी दिल्ली में हुई सीईसी की मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने श्राद्ध के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होने की बात कही है। इसके साथ ही सीईसी की मीटिंग में 60 सीटों पर चर्चा होने की बात भी कही गई है। साथ ही अब प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। 15 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। पहली सूची के लिए 60 से ज्यादा सीटों पर चर्चा। सीईसी की मीटिंग के बाद कमलनाथ ने दिए संकेत। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस हाईकमान का मंथन जारी है। जहां राजधानी दिल्ली में सीईसी की मीटिंग के बाद कमलनाथ ने श्राद्ध के बाद 15 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की बात कही है। साथ ही 16 अक्टूबर को दूसरी सूची के साथ वचन पत्र और 17 अक्टूबर को प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर दिल्ली में हुई कांग्रेस हाईकमान की सीईसी मीटिंग में राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा हुए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस भी अब जल्द ही प्रत्याशियों की सूची का ऐलान करेगी। जहां राजधानी दिल्ली में हुई सीईसी की मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नवरात्रि में सूची जारी होने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नई दिल्ली।